ये मैंने सारे आलू डाल दिए। अब आलू अच्छी अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बना रहे हैं आलू की भुजिया। ठीक है, ये मैंने दो प्याज ले लिए, इसमें ना मैं तेल डाल देती हूँ, ये मैं रख देती हूँ ऊपर। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, ये 4 टमाटर हैं, 4-5 छोटे छोटे से भी हैं ना, तो वो ये मैंने आलू ले लिए, 1/2 चम्मच मिर्च का, 1/2 चम्मच जीरे का, 1/2 चम्मच दादरी मिर्च का, 1 चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच हल्दी का। अब मैं आपको बताती हूँ तरीका बनाने का आलू की भुजिया। आ जाए, ये देखिए मैंने ना पकने के लिए रख दिए, थोड़े से ना ब्राउन हो जाए ना, हल्के से कलर देना है इसके, बस ज़्यादा नहीं देना। फिर मैं ना इसमें टमाटर डालती हूँ। हाँ जी, ये मैंने ना टमाटर डाल दिए काट के। अब ये टमाटर ना ज़रा से नरम करने हैं, तो फिर इसके में थोड़ा सा पानी डाल के ना प्याज गलने के लिए रख देंगे। टमाटर प्याज अच्छी तरह गल जाएंगे, फिर आलू डाल के ना नमक मिर्च, फिर इसकी भुजिया तैयार हो जाएगी। अब 5 मिनट में इसे भूनते हैं। हाँ जी, ये प्याज हो गए, टमाटर हमारे हो गए हैं, प्याज भी हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना गलने के लिए रख देती हूँ, फिर आलू डालते हैं। हाँ जी, ये प्याज हो गए, अब मैं ना इसमें ना आलू डालती हूँ, आलू डाल के ना फिर भून लेते हैं, मसाला भी डालते हैं। हमारी वीडियोस शुरू से देखा करें, पूरी देखा करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें मैं हमारे चैनल को। आप जब हमारी तारीफ करते हैं हमारा हौसला अफजाई होती है। ये मैंने सारे आलू डाल दिए, अब आलू अच्छी तरह ना भूनूंगी, मसाला डालूंगी, तो फिर ये हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। ये हमारे हो गए ना, अब ये मैंने ना मसाले डाल दिए इसमें, अब अच्छी तरह मैं भून के ना ये देखें। वो अपनी मर्जी से भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं मसाले, बस मैंने मुनासिब ही डाले हैं बच्चों के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब ये घी भी आ रहा है इसके ऊपर, तो थोड़ी सी कसर है इसमें आलूओं में, वो ना मैं पानी डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया इसमें, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी हांडी तैयार हो गई हमारी। ये देखें, और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी आलू की भुजिया तैयार हो गई है। आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।